मसीह में भाई बहनों को प्रभु के मधुर नाम से जय मसीह की। आज जिस वचन का हम मनन करने जा रहे हैं वो वचन इफिसियों चैप्टर 4:14 से लिया गया है, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्य की ढग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हों। हालेलुया। बच्चों को ग्रीक शब्द में नोपियोस कहा जाता है। इसका ये मतलब है, अगर हम बात करें तो ये ऐसे युवा विश्वासियों की तरह होता है जो सुसमाचार पर बातचीत करने या बोलने में असमर्थ होते हैं। इसकी तुलना हम बिना पतवार या पाल के समुद्री जहाज से भी कर सकते हैं। एक पतवार के बिना एक समुद्री जहाज को लहरों द्वारा उछाला या उल्टा पलटा कर किया जा सकता है। यहाँ लहरें परिस्थितियों को प्रदर्शित करती है। जीवन में स्थिरता के बिना आप परिस्थितियों की दया पर होते हैं। ये एक निश्चित तरीका होता है जो ईसाई के जीवन को ऊपर नीचे करता है। मसीह में भाई बहनों, परमेश्वर का वचन जीवन में स्थिरता लाता है। हालेलुया। परिस्थितियों के बावजूद भी आप अपने जीवन को स्थिर बनाए रख सकते हैं। ज्ञान और बलिदान में आपके समय में स्थिरता होती है। बाइबल में हमें ये वचन बताता है, यशायाह 33:6 हमें ये बताता है, हे यरूशलेम, तू संपन्न है, तू परमेश्वर के ज्ञान और विवेक से संपन्न होता है, तू मुक्ति से भरपूर है, तू यहोवा का आदर करता है और वही आदर तुझे संपन्न बनाता है, इसलिए तू जान सकता है कि तू सदा बना रहेगा। हालेलुया। युवा विश्वासी समुद्री जहाज की तरह होते हैं, तो उसके पास पथ प्रदर्शन नेविगेशन का कोई साधन नहीं होता, तो इसे किसी भी दिशा में हवा के द्वारा धकेला या उड़ाया जा सकता है। हालेलुया। ये युवा विश्वासी उन झूठे सिद्धांतों में उनके गिरने की सबसे ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि वे भोले होते हैं। वो उन बच्चों की तरह होते हैं जिन्हें परमेश्वर के शब्द का ज्ञान नहीं होता है। जैसे अधिकांश बच्चे, वे जो कुछ अपने मुंह में डाल लेते हैं। हमारे महत्वपूर्ण है कि हम ना केवल किसी व्यक्ति को प्रभु में ले आएं, और पर ये भी देखें कि प्रभु के कार्य में भाग लेने के लिए वो वफादार बना रहे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, यहाँ उसे पवित्रता से विकसित होने के लिए ठोस भोजन दिया जाता है। उसे वचन में पक्का बनने के लिए ठोस भोजन दिया जाता है। ये भोजन, ठोस भोजन का अर्थ है प्रभु परमेश्वर की आराधना और उसके वचनों का पूर्ण ज्ञान दिया जाना। हालेलुया। बाइबल का यह वचन हमें बताता है, इब्रानियों का चैप्टर 5:12-14 हमें बताता है, वास्तव में इस समय तक तुम्हें तो शिक्षा देने वाला बन जाना चाहिए था, किंतु तुम्हें तो अभी भी किसी ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है जो तुम्हें नए सिरे से परमेश्वर की शिक्षा की प्रारंभिक बातें सिखाए। तुम्हें तो अभी भी दूध ही चाहिए, ठोस आहार नहीं। जो अभी भी दूध मुहा बच्चा ही है, उसे धार्मिकता की वचन की पहचान नहीं है, किंतु ठोस आहार तो उन बड़ों के लिए होता है जिन्होंने अपने अनुभव से भले बुरे से पहचान करना सीख लिया हो। हालेलुया। ये सब धोखे ये पुरुषों के छल बल और चतुरता मकारी माध्यम से आती है। पुरुषों के छल बल शब्द को ग्रीक में क्यूबिया कहते हैं, प्राचीन शब्द में से पासा भी कहते हैं। प्राचीन समय में ये सबसे चलाकी वाली गेम थी। कई चलाक सामने वाले प्रतिद्वंदी को धोखा भी देते थे। इन सब वचनों का यही निष्कर्ष निकलता है, जब युवा विश्वासी प्रभु में आता है तो वो पादरी, पास्टर या अन्य परमेश्वर के सेवा वाले अधिकारियों को प्रस्तुत करने से इनकार करता है। वे ये सोचता है कि वे परमेश्वर के वचन में पूरी तरह से पूर्ण है, उसे परमेश्वर के सब वचनों का ज्ञान है, लेकिन वो वास्तव में शैतान द्वारा मूर्ख और अपूर्ण होता है। वो शैतान उसके साथ चलाकी वाले गेम का प्रतिद्वंदी होता है। इस खेल में सारे पासे उसके खिलाफ से भरे होते हैं, जिसे वो जीत नहीं सकता। निरंतर करने वाला शैतान उसे वास्तव में उसे भरमाता है। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो एक चर्च से दूसरे चर्च, एक मिनिस्ट्री से दूसरी मिनिस्ट्री तक तैरना चाहते हैं, और कभी भी वो अपने आप को आत्मिक स्थिरता में नहीं ला पाते हैं। हालेलुया। ऐसे युवा विश्वासियों की लाइफ में अनिश्चितता, अस्थिरता होती है। वे अक्सर स्वीकार करते हैं कि वे मिनिस्ट्री के लीडर की तुलना में अधिक परिपूर्ण हैं। उन्हें लगता है कि वो मिनिस्ट्री के लीडर से ज़्यादा वचनों का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए
वो एक चर्च से दूसरे चर्च, एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री तक तैरते रहते हैं। वो ये स्वीकार करते हैं कि उन बच्चों की तरह जो बोल नहीं सकते, ऐसे लोग जीवन की परिस्थितियों और झूठे सिद्धांतों की दया पर होते हैं। जब वे मुसीबत में पड़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि जब वो चर्च के पास्टरों और मिनिस्ट्रियों के खिलाफ बोलते हैं तब वो मुसीबत में पड़ते हैं। मसीह में भाई बहनों, कोई भी चर्च आपको ज्वाइन करने के लिए नहीं होता, बल्कि इसके उल्ट आप चर्च और मिनिस्ट्री को ज्वाइन करने के लिए होते हैं। मसीह में भाई बहनों, आज का वचनों का यही सार है कि जो विश्वासी वचनों में परिपूर्ण होता है, वचनों का उसे पूरी तरह से ज्ञान होता है, उसके उसके सारे निर्णय अटल होते हैं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, हमें अपने सामर्थ और शक्ति से भर पिता परमेश्वर, तेरे वचनों को हम पकड़े रहें पिता परमेश्वर, तेरे वचनों पर हम पक्के हो सकें पिता परमेश्वर, और हमेशा तेरे वचनों पर चलते रहें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में हमें पूर्ण विश्वासी बना पिता परमेश्वर, और हम अल्पविश्वासी ना बने पिता परमेश्वर। तेरे वचनों का ज्ञान हमारी लाइफ में दीनता से बढ़ता जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। मसीह में भाई बहनों, अब हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर। हम अपने जीवन में सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर, परिवार के सदस्य अपने जीवन में सुरक्षित हैं पिता परमेश्वर, हमारी सांसें चल रही हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आदर महिमा सम्मान सब आपको चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इस शाम में पिता परमेश्वर विश्वास और सामर्थ भरे सामर्थ के साथ पिता परमेश्वर के सामने आते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन हमारे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर, जितने भी घर में ये प्रार्थना सुनी जा रही है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर उन सबको आशीष और बरकत देना पिता परमेश्वर। उन सदस्य उनके घरों के सब सदस्यों की इच्छाएं पूरी हो पिता परमेश्वर। तेरे नाम की शांति और पवित्र आत्मा का सामर्थ उन घरों में उतरे पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं उन मजदूर भाई बहनों को भी आपके चरणों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर। जो हमारे मजदूर भाई बहन अपने घरों से दूर हैं पिता परमेश्वर, वो सब अपने घर सुरक्षित पहुंच सके पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान का काम उनकी लाइफ में पूरा ना होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से वो सुरक्षित अपने घर पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना है हमारी पिता परमेश्वर से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों को भी पिता परमेश्वर तेरे चरणों में लेकर आती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके जॉब छूट गई है पिता परमेश्वर, और जो अपने जॉब की तलाश कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके लिए पिता परमेश्वर जॉब के नए ऑफर आए पिता परमेश्वर, उनके लिए नए नए रास्ते खुले पिता परमेश्वर, उन्हें डिवाइन हेल्पर मिले पिता परमेश्वर, उनके लिए जॉब के नए नए रास्ते खुलने पाए पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। जो लोग कोरोना वायरस की वजह से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आपके चरणों में लाती हूँ पिता परमेश्वर, वो सब लोग ठीक होकर अपने घरों और अपने परिवार वालों के पास जा सके पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, जिन लोगों को कोरोना वायरस की चपेट में नहीं है पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने ये बीमारी तेरे नाम से छूने भी ना पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपने सामर्थ्य मेरे हाथों में इन्हें संभाले रख पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग अब डर और भय से अपना जीवन बिताते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने जीवन और भविष्य को लेकर डर लगता है पिता परमेश्वर, उनके डर की आत्मा तेरे नाम से दूर चली जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अपने वचन में कहा है कि मैंने तुम्हें डर और भय की आत्मा नहीं बल्कि संयम और सामर्थ्य की आत्मा से भरा है। हालेलुया पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। कोई भी शैतान की शक्ति किसी को भरमाने ना पाए पिता परमेश्वर, ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों को चंगाई मिलने पाए पिता परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से पिता परमेश्वर। वचन में लिखा है कि तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि हम हर बीमारी से आजाद हो चुके हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद
पिता परमेश्वर। तारीफ करें पिता परमेश्वर की, तारीफ हो पिता परमेश्वर की, तारीफ हो, धन्यवाद दें जीवित पिता परमेश्वर को, धन्यवाद दें सच्चे पिता परमेश्वर को, धन्यवाद दें मुक्तिदाता पिता परमेश्वर को, धन्यवाद दें सृष्टिकर्ता, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, सभी के लिए आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस रात में पिता परमेश्वर सबकी रक्षा करना, सब लोगों को अपने सामर्थ्य हाथों में संभाल कर रखना पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रार्थना सुन रहे हैं सबको आशीष और बरकतें देना पिता परमेश्वर, सबकी जरूरतों को पूरा करना पिता परमेश्वर, अच्छी नींद देना पिता परमेश्वर, अच्छी और मीठी नींद देने वाला हमारा यहोवा है क्योंकि वह हमारे संग संग रहता है, सबके जीवन में शांति भर पिता परमेश्वर, सबकी रक्षा कर पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जब हम पिता परमेश्वर को परेशानी में पुकारते हैं तो पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, ये प्रार्थनाएँ हम मांगते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से, आमीन आमीन आमीन।